हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम विकास इक्विटी शेयर से संबंधित पिछले कुछ दिनों में हुए बल्क डील्स के बारे में जानेंगे, वो भी डिटेल से। साथ ही साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बल्क डील के माध्यम से ऑपरेटर जो होते हैं वो कैसे खेल करते हैं और कैसे शेयर को अप और डाउन तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। इसका हम आज पोस्टमार्टम करेंगे और इसका एक एक परत दर परत हम आज इसको खोलेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कैसे जो ऑपरेटर होते हैं वो खेल करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट आए हैं विकास इकोटेक से संबंधित। इससे संबंधित जो भी वीडियो है हम इस वीडियो के आई लिंक में दे देंगे और साथ ही साथ इसके हम एंड स्क्रीन पे भी लगा देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि पिछले दिनों में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं और कितने बड़े हैं और इसका प्रभाव जो क्या होगा इस शेयर पे। चार्ट को देखें तो आज ये 3.35 बंद हुआ है 1.5% की तेज़ी के साथ। पिछले दिन अर्थात 18 जुलाई को इसने लगभग 8% की तेज़ी दिखाई थी और उसके साथ ये बंद हुआ था। इसके अलावा अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 8% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में इसने लगभग 6% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर को 10% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात किया जाए तो अपने शेयर होल्डर को इसने लगभग 21% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अब हम थोड़ा बेसिक वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ रिसेंट अपडेट भी आई हुई है क्या। तो दोस्तों, हम आ गए बेसिक वेबसाइट पे। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पिछला अपडेट आया हुआ है 15 तारीख को आया है, जबकि 8 जो डेट है वो है 19 जुलाई, अर्थात 4 दिन हो गया कोई भी अपडेट आए हुए। वर्तमान में इसमें कोई अपडेट नहीं आया। जो भी पिछला अपडेट आया था उससे संबंधित हमने वीडियो बना दी थी और इसका लिंक हमने बटन और आई स्क्रीन पर लगा दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के डिलीवरी पैटर्न की, थोड़ा सा जाते जाते देख लें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज 34 लाख शेयर के आसपास ट्रेड हुआ है, जिसमें से 25 लाख इस डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया था। 73% के आसपास शेयर जो है आज भी डिलीवरी के रूप में उठाया गया है, जो कि ये दिखा रहा है कि इसमें डिलीवरी जम के उठाई जा रही है। इसका प्रभाव हमें आगे देखने को मिल सकता है Q1 रिजल्ट से पहले ही। और यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे जो हम आपको बता रहे थे कि आज बल्क डील का हम पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि ये जो बल्क डील होता है ये कैसे जो है किसी भी शेयर का खेल बिगाड़ सकता है और ऑपरेटर इसमें कैसे सक्रिय होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डेट पड़ी हुई है 17 जुलाई की, इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप इसके बारे में जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पे विश्वास फिनकॉर्प सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने लगभग सोल्ड किया है NSE पे 29 लाख शेयर को 3.17 रुपये पे, और इन्होंने बाय किया था लगभग 60 लाख शेयर को, अर्थात इसमें देखा जाए तो इसने लगभग 30 लाख शेयर को अपने पास बचा कर रखा है और लगभग 30 लाख शेयर इन्होंने बेच दिया है, अर्थात इन्होंने 30 लाख शेयर को डिलीवरी के रूप में उठा लिया है। अब हम अगर बात करें 7 जुलाई की तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डेट पड़ी हुई है 7 जुलाई की, और इसमें भी ये जो विश्वास फिनकॉर्प सर्विस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने लगभग 60 लाख शेयर खरीदा हुआ है यहाँ भी और 16 लाख इसमें से सोल्ड किया है, अर्थात 60 लाख की बात किया जाए तो इसमें लगभग 44 लाख शेयर यहाँ इन्होंने डिलीवरी के रूप में उठाया है। इससे पहले इन्होंने लगभग 30 लाख शेयर डिलीवरी के रूप में उठाया था। कुल मिला जुलाकर इनके पास लगभग 74 लाख शेयर अभी भी डिलीवरी के रूप में पड़ी हुई हैं इस डेटा के हिसाब से अगर बात किया जाए तो। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो 21 जून की अगर बात की जाए 2023 में, तो 21 जून को भी इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही विश्वास फिनकॉर्प सर्विस कंपनी जो है इन्होंने लगभग 10 लाख शेयर को बाय किया है, उससे पहले 8 लाख शेयर को बेचा था, अर्थात यहाँ से भी लगभग 2 लाख शेयर बचे हुए हैं। तो अभी हमने देखा था कि लगभग जो पिछला 70 लाख शेयर इन्होंने खरीदा था उसमें 2 लाख और जोड़ दीजिए तो ये हो गया लगभग 76 लाख शेयर अभी भी इनके पास डिलीवरी के रूप में पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर आगे चलें तो इन्होंने 14 तारीख को 13 लाख शेयर बेचा था और 10 लाख शेयर इन्होंने उठाया था, तो ये अभी भी इसमें कमी करे हैं अपने शेयर होल्डर का। और जब ये बेचे होंगे तब ये आगे आप देखेंगे कि इसमें पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा और ये 1% 2% या 5% जितना गिरना होगा ये पक्का शेयर गिरा होगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें आप देख सकते हैं मार्च की बात है, ये 2 मार्च की, इन्होंने 2 मार्च को लगभग 5.5 लाख शेयर खरीदा था, उसमें से 2.5 लाख शेयर इन्होंने बेच दिया था, अर्थात यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख के आसपास इन्होंने डिलीवरी उठाई थी। और इससे पहले आपको पहले ही बता चुके हैं इनके पास ऑलरेडी 77 लाख के आसपास शेयर बचे हुए हैं, हालांकि 3 लाख इन्होंने जो बेचे थे उसमें से अगर कुल मिला एक बात अभी भी 70 लाख शेयर इनके पास होल्ड में रखे हुए हैं डिलीवरी के रूप में। अब हम 3 फरवरी की बात करें तो 3 फरवरी में एक सिल्वर टोस शॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने लगभग 5.5 लाख शेयर 3.20 रुपये के रेट पर खरीदा है, जो कि अभी भी इनके पास डिलीवरी के रूप में पड़ा हुआ है। अर्थात हम बात करें तो इसमें 70 लाख शेयर ये जो विश्वास फिनकॉर्प सर्विस कंपनी है इनके पास पड़ा हुआ है और ये 5.5 लाख शेयर इनके पास पड़ा हुआ है, अर्थात ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके ऑपरेट कर रहे हैं इस पूरे
इकोटेक शेयर को, क्योंकि जब ये विश्वास फिनसो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अपने शेयरों को बेचता है, जब भी ये बेचता है तब आप देखते हैं कि शेयर में चाहे कोई भी न्यूज आए उसके बावजूद बीच में गिरावट आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये खरीदते हैं इसमें तेज़ी आ जाती है। हम आपसे बताए थे कि 17 जुलाई को जो ट्रेडिंग हुई थी इसमें 60 लाख शेयरों की, और इसमें से 30 लाख शेयर जो डिलीवरी के रूप में उठाए गए थे, उसके बाद पक्का तेज़ी आनी है। अगले दिन आपने देखा कि लगभग 8% की तेज़ी दिखाया, और इसके साथ साथ आज भी इसने लगभग 2 से 4% की तेज़ी दिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये ऑपरेटर जो हैं ये इसमें अभी भी सक्रिय हैं, आपके सामने हमने दिखा दिया प्रूफ के तौर पर कि ये जो ऑपरेटर है इसमें सक्रिय हैं। तो आप इसमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे होल्डिंग बनानी हो या कोई भी काम करना हो, उससे पहले आप एक बार फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें ताकि आपका पैसा इसमें सुरक्षित रहे। साथ ही साथ आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी संपर्क करिए। ये जो हमने वीडियो बनाया है ये केवल आपके नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है, ताकि आप देखें और सजग रहें, और सजग रहने के साथ साथ आप इस पर थोड़ा सा विचार करें कि, और ये भी जानें कि ये ऑपरेटर कैसे गेम अपना खेलते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा टारगेट की बात कर लेते हैं कि इसमें जो 3 रुपये 40 पैसे के आसपास ये जाता है और 3 रुपये 35 पैसे 3 रुपये 30 पैसे पे अटक जा रहा है, इसका रेसिस्टेंट लेवल क्या बन रहा है, और साथ ही साथ ये यहाँ रेसिस्टेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है इसका। इसके अलावा इसके हम ये भी देखेंगे कि जुलाई का जो महीना अभी 10 दिन बचा हुआ है उसमें टारगेट क्या दिए जा रहे हैं और ये कितने तक टच कर सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो टारगेट दिया जा रहा है वो तो जुलाई में दिया जा रहा है सबसे बड़ा टारगेट 4 रुपये 88 पैसे का, लेकिन उससे पहले एक और टारगेट दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 4 रुपये 26 पैसे का। अर्थात ये सबसे ज़्यादा जो टारगेट दिया जा रहा है वो 4 रुपये 88 पैसे का दिया जा रहा है। ये संभावना जताई जा रही है कि जिस हिसाब से इसमें न्यूज़ें निकल के आ रही हैं और बल्क डील हो रहे हैं उस हिसाब से इसमें 4 रुपये 88 पैसे के आसपास ये शेयर जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाधा निकल के सामने आ रही है वो आ रही है 4 रुपये जो 46 पैसे का रेसिस्टेंट है। बार बार 3 रुपये 40 पैसे के आसपास ये शेयर जाता है और बार बार यहीं से 3 रुपये 46 पैसे के आसपास से लौट के वापस आ जाता है। अगर ये रेसिस्टेंट लेवल टूटता है तो ये मान के चलिए कि इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी की संभावना बन सकती है, लेकिन ये जो रेसिस्टेंट लेवल है इसको टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही एक दो नीज और आते रहे और बल्क डील होता रहा, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि अभी Q1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, अगर Q1 का रिजल्ट में थोड़ी भी संभावना अगर देखी कि अच्छा आने वाला है तो ये रेसिस्टेंट लेवल तोड़ के और ये अच्छा खासा तेज़ी दिखाते हुए अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आप इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। जय हिंद दोस्तों।